भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम काव्य हेतु का अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में काव्य हेतु से संबंधित प्रश्न आते हैं। इस टॉपिक का अध्ययन हम इन बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना, उसके बाद देखेंगे काव्य हेतु का अभिप्राय एवं आयाम, काव्य हेतु का अर्थ क्या है और उसका स्वरूप कैसा है। भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु, इसके बाद प्रतिभा का स्वरूप, प्रतिभा किस प्रकार की होती है, इसका स्वरूप कैसा होता है, प्रतिभा कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति का क्या अर्थ है और व्युत्पत्ति के प्रकार, अभ्यास क्या होता है, अभ्यास का अर्थ और उसका महत्व और निष्कर्ष। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। आइए देखते हैं कि काव्य हेतु क्या होता है। भारतीय काव्य शास्त्र में जब भी किसी चीज का हम निर्माण करते हैं तब उसके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे यदि आप घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसके लिए छड़, सीमेंट, गिट्टी, रेत इत्यादि बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। वैसे ही जब कोई कवि काव्य की रचना करता है तब उसके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति कवि नहीं होता, कुछ विरले लोग ही होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कवि होते हैं। तो उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है कवि होने के लिए, देखते हैं। किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक साधन जरूरी होते हैं, जिनके अभाव में उस वस्तु का निर्माण संभव नहीं हो सकता। तो जिन साधनों या कारणों से वस्तु का निर्माण होता है, वस्तुतः ये साधन हेतु कहलाते हैं। काव्य या साहित्य की सृजना के लिए कुछ आवश्यक कारण या हेतु होते हैं। इसी प्रकार काव्य रचना के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जिन बातों की आवश्यकता होती है, उसे काव्य हेतु कहते हैं या फिर काव्य का कारण कहते हैं। मतलब जिन चीजों के माध्यम से काव्य की रचना होती है उन साधनों को, उन माध्यमों को काव्य हेतु अथवा काव्य का कारण कहते हैं। हेतु का अर्थ होता है कारण। कवि में काव्य रचना के सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को काव्य हेतु या काव्य का कारण कहा जाता है। ये साधन ही कवि को काव्य रचना में सक्षम बनाते हैं। मतलब वे सभी साधन जिनके द्वारा कोई कवि काव्य की रचना करता है उन साधनों को काव्य हेतु अथवा काव्य का कारण कहा जाता है। इनकी संख्या तीन मानी गई है। प्रतिभा मतलब उसमें टैलेंट होना चाहिए। व्युत्पत्ति मतलब उसे शास्त्रज्ञ होना चाहिए। शास्त्रज्ञ मतलब बहुज्ञ होना चाहिए, बहुत सारे विषयों की जानकारी होनी चाहिए। उसे विज्ञान का भी जानकारी होना चाहिए, अर्थशास्त्र का भी जानकारी होना चाहिए, प्रकृति की भी जानकारी होना चाहिए, लोक संस्कृति की भी जानकारी होनी चाहिए। इसे बोला जाता है व्युत्पत्ति। मतलब बहुत सारी बातों का ज्ञान, बहुत सारे विषयों का जो ज्ञान होता है उसे कहा जाता है व्युत्पत्ति। और अभ्यास, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। कहा भी गया है प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। तो इन हेतुओं में प्रतिभा का सर्वाधिक महत्व है, जिसे काव्य का बीज कहा गया है। मतलब आदमी में टैलेंट होना चाहिए कविता लिखने के लिए, तो प्रतिभा का सबसे ज्यादा महत्व है, इसे काव्य का बीज माना गया है। मतलब जैसे बीज से पेड़ बनता है वैसे बीज का सबसे ज्यादा महत्व है, प्रतिभा का सबसे अधिक महत्व है। प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य की रचना नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बिना मौलिक या नवीन रचना नहीं की जा सकती। प्रतिभा बहुत जरूरी है। प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति मतलब बहुज्ञता, बहुज्ञता मतलब बहुत सारे विषयों की जानकारी बहुत जरूरी है। और इसके बाद अभ्यास। प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास नामक अन्य दो हेतुओं के योग से रचना में व्यापकता और उत्कृष्टता आती है। किसी रचना को व्यापक बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास भी आवश्यक होते हैं। हालांकि प्रतिभा का सबसे अधिक महत्व है, इसे काव्य का बीज कहा गया है। अब काव्य हेतु का अर्थ क्या है और उसे आयाम क्या है, उसका विस्तार क्षेत्र क्या है, देखते हैं। काव्य हेतु से अभिप्राय काव्य रचना के मूल कारणों से है ना। काव्य हेतु से तात्पर्य काव्य रचना के मूल कारण क्या है, मूल साधन क्या है। भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों ने काव्य रचना के तीन हेतु स्वीकार किए हैं। मतलब काव्य हेतु के तीन हेतु हैं काव्य रचना के। पहला प्रतिभा है, दूसरा व्युत्पत्ति है और तीसरा अभ्यास है। काव्य हेतुओं के संबंध में आचार्यों में दो वर्ग हैं। एक वर्ग के आचार्य काव्य रचना के लिए प्रतिभा को ही हेतु के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। मतलब इसमें भी दो कैटेगरीज है आचार्यों। एक वर्ग के जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि काव्य रचना के लिए प्रतिभा पर्याप्त है, प्रतिभा की ही आवश्यकता होती है, तथा अन्य दो हेतुओं व्युत्पत्ति और अभ्यास को सहायक कारण मानते हैं। मतलब ये उसके असिस्टेंट है, सहायक कारण है। और जो दूसरे वर्ग के आचार्य हैं उनका मानना है काव्य रचना के लिए प्रतिभा
व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों आवश्यक है। मतलब काव्य हेतु का संबंध में विचारों में दो वर्ग हैं। पहला वर्ग यह मानता है कि काव्य रचना के लिए, काव्य हेतु के लिए, काव्य हेतु के अंतर्गत केवल प्रतिभा ही पर्याप्त है और व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके सहायक होते हैं। लेकिन जो दूसरा वर्ग है उनका कहना है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों ही आवश्यक है। तो पहले वर्ग में जो कल प्रतिभा को आवश्यक मानते हैं वे आचार्य कौन कौन से हैं? भामा, रुद्रट, वामन, पंडित राज जगन्नाथ आदि काव्य रचना के लिए प्रतिभा को ही हेतु के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि काव्य हेतु केवल एक ही है, प्रतिभा ही है। और दूसरे वर्ग के जो आचार्य हैं जिनमें दंडी, वाग्भट, मम्मट आदि प्रमुख हैं, इनका कहना क्या है? दूसरे वर्ग के आचार्यों का कहना क्या है? काव्य रचना के लिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों ही आवश्यक है। तो प्रतिभा वह शक्ति है जिसके द्वारा मौलिक और अपूर्व कार्य संपन्न होते हैं। मौलिक मतलब जिसमें मौलिकता होती है और अपूर्व मतलब जो पहले नहीं रचा गया। नवीन उद्भावनाओं, उद्भावनाओं होता है मन की कल्पनाएं अथवा मन की अद्भुत सूझबूझ, मन में आने वाले विचार। तो नवीन विचारों के लिए, नवीन कल्पनाओं के लिए, नवीन कल्पना और चिंतन की जन्मदात्री प्रतिभा ही है। मतलब हमारे दिमाग में जो नवीन कल्पनाएं होती है, नए नए विचार आते हैं, नए नए चिंतन आते हैं, इसको जन्म देने वाली क्या है? प्रतिभा ही है। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा के स्वरूप और भेदों का गंभीर एवं सूक्ष्म विवेचन किया गया है। अब हम प्रतिभा के संबंध में भारतीय आचार्यों के मतों का अध्ययन करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया गया है आचार्यों के द्वारा। अब हम उन आचार्यों के दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे कि उनका क्या आशय है। भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु, मतलब भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु क्या है, किस बात को उन्होंने मान्यता दी है, क्या क्या आवश्यक बताया काव्य हेतु के रूप। आचार्य भामा है, छठी शताब्दी इनका समय है। भामा भारतीय काव्य शास्त्र के आदि आचार्य माने जाते हैं, बहुत ही प्रधान आचार्य माने जाते हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार, जिसमें प्रतिभा के संबंध में उनके मौलिक विचार व्यक्त हुए हैं। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार, इसमें इन्होंने प्रतिभा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। आचार्य भामा प्रतिभा को काव्य रचना का प्रमुख हेतु मानते हैं, मतलब काव्य रचना का प्रमुख कारण ये प्रतिभा को मानते हैं। प्रतिभा के द्वारा ही श्रेष्ठ काव्य रचना हो सकती है, किंतु उनके मतानुसार यह प्रतिभा किसी विरले अथवा बहुत कम लोगों में ही दृष्टिगत होती है। आचार्य भामा का मानना है कि काव्य रचना का प्रमुख हेतु क्या है, ये प्रतिभा है, और प्रतिभा बहुत कम लोगों में विद्यमान होती है, बहुत कम लोग समाज में प्रतिभाशाली होते हैं। जड़ बुद्धि भी गुरु के उपदेश से शास्त्र का ज्ञाता हो सकता है, किंतु काव्य रचना तो किसी प्रतिभावान से ही हो सकती है। इस प्रकार आचार्य भामा के अनुसार दोष रहित श्रेष्ठ काव्य की रचना का प्रमुख हेतु प्रतिभा है। आचार्य भामा का यह मानना है कि कोई व्यक्ति यदि मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, तब भी यदि उसे कोई आचार्य उसको पढ़ाते हैं तो नियमित वह पढ़ के अभ्यास करके वह शास्त्रों का ज्ञाता तो हो सकता है, लेकिन काव्य रचना वह नहीं कर सकता, क्योंकि काव्य रचना केवल प्रतिभावान व्यक्ति ही कर सकता है, कोई टैलेंटेड व्यक्ति ही काव्य की रचना कर सकता है। और इस प्रकार आचार्य भामा कहते हैं कि श्रेष्ठ काव्य की रचना करने के लिए प्रतिभा सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रमुख काव्य हेतु है। दंडी सातवीं शताब्दी के आचार्य, इनका कहना क्या है? आचार्य दंडी के प्रतिभा संबंधी विचार उनके प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में मिलते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में प्रतिभा के संबंध में विचार किया है और इनका कहना है, आचार्य दंडी ने काव्य रचना के लिए तीनों काव्य हेतु प्रतिभा, अव्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को आवश्यक माना है, तीनों को बराबर महत्व दिया है। उनकी दृष्टि में केवल प्रतिभा से ही काव्य सजना नहीं हो सकती, काव्य रचना के लिए प्रतिभा के साथ शास्त्र ज्ञान अर्थात व्युत्पत्ति तथा अभ्यास की आवश्यकता पर दंडी ने विशेष बल दिया है। जैसे कोई विद्यार्थी बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, लेकिन यदि वह किताबों का अध्ययन नहीं करता है अथवा रोज रोज प्रैक्टिस नहीं करता, अभ्यास नहीं करता है, तो वह क्या है, परीक्षा में पास नहीं हो सकता, अच्छा कवि नहीं। उसी प्रकार उन्होंने बताया कवि के रूप में कि किसी भी कवि के लिए काव्य रचना करने के लिए प्रतिभा और व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति मतलब शास्त्रों का ज्ञान तथा अभ्यास, इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। नैसर्गिक अथवा जन्मजात प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान, निर्मल शास्त्र ज्ञान मतलब शास्त्रों का अधिक से अधिक अध्ययन और उनका पूरा ज्ञान और निरंतर अभ्यास, ये तीनों काव्य के कारण है या काव्य के हेतु है। किंतु दंडी उन्हें भी काव्य रचना के लिए निरुत्साहित नहीं करते जिनमें जन्मजात प्रतिभा नहीं है। यदि ऐसा व्यक्ति अध्ययन और काव्य रचना का अभ्यास करता है तो उस पर मां सरस्वती की कृपा होती है और वह काव्य रचना में समर्थ हो जाता है। लेकिन दंडी यह भी कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति में यदि जन्मजात प्रतिभा नहीं है तो वह कवि नहीं हो सकता,
यदि वह शास्त्रों का अध्ययन करता है, निरंतर अध्ययन करता है, पुराने कवियों के काव्य का अध्ययन करता है और वह निरंतर अभ्यास करता है, तब उस पर भी माँ सरस्वती की कृपा होती है और वह भी काव्य रचना में समर्थ हो जाता है। आचार्य वामन 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। इनका क्या मानना है? आचार्य वामन ने प्रतिभा को कविता का मूल्य बीज माना है। इन्होंने बहुत महत्व दिया है प्रतिभा को, किंतु अन्य दो काव्य हेतुओं को भी महत्व प्रदान किया है। प्रतिभा को तो इन्होंने सर्वश्रेष्ठ स्थान जरूर दिया है काव्य के बीज या मूल के रूप में, लेकिन अन्य दो काव्य हेतु हैं जो व्युत्पत्ति और अभ्यास है, उसको भी इन्होंने महत्व प्रदान किया है। पूर्व रचित काव्यों का अनुशीलन अथवा अध्ययन काव्य के मतलब काव्य का ज्ञाता या कवि के लिए आवश्यक है। आचार्य वामन का यह मानना है कि पहले जो कवि हुए हैं, जो बड़े बड़े महान कवि हुए हैं, उनकी कविताओं का अध्ययन करना किसी भी कवि के लिए बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने अवधान अवधान मतलब चित्त की एकाग्रता, एकांत स्थान तथा ब्रह्म मुहूर्त को काव्य रचना के लिए उपयोगी माना है। उनका कहना है कि कविता की रचना के लिए चित्त एकाग्र होना चाहिए, एकांत स्थान में कविता की रचना होनी चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए, मतलब सूर्योदय के पहले 3-4 बजे के आसपास का जो समय है, 3 से 5 बजे तक, उस समय है ब्रह्म मुहूर्त काव्य रचना के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार वामन प्रतिभा को महत्वपूर्ण काव्य हेतु मानते हुए व्युत्पत्ति और अभ्यास पर विशेष बल देते हैं। रुद्रट 9वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ के आचार्य हैं। इनका क्या मानना है? आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी काव्य हेतु में महत्व दिया है। आचार्य रुद्रट ने क्या है? प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी काव्य हेतु में महत्व प्रदान किया है। रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद किए, ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, सहजा प्रतिभा और उत्पाद्या प्रतिभा। सहजा प्रतिभा क्या होती है? जो जन्मजात होती है, व्यक्ति जो जन्म से जिसमें प्रतिभा होती है, प्रतिभाशाली व्यक्ति जो जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं, तो सहजा जन्मजात प्रतिभा होती है तथा उत्पाद्या जो शास्त्र तथा लोक से अर्जित की जाती है। उत्पाद्या प्रतिभा क्या होती है? जो शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा और हमारे जो संसार है, जो लोक है, उसके निरीक्षण के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे उत्पाद्या प्रतिभा कहा जाता है। रुद्रट प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु स्वीकार करते हैं तथा उसे ही शक्ति मानते हैं। रुद्रट इसे शक्ति के नाम से भी अभिहित करते हैं। तो रुद्रट क्या कहते हैं? प्रतिभा दो प्रकार के होते हैं, सहजा प्रतिभा जो जन्मजात होती है और उत्पाद्या प्रतिभा जिसे आदमी अर्जित करता है किताबों के अध्ययन से और जो हमारा संसार है, जो दुनिया है, उसके निरीक्षण से। लेकिन वे प्रतिभा को शक्ति मानते हैं। साथ ही आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी विक्रमी के आचार्य, इनका क्या कहना है? आनंदवर्धन का, आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार प्रतिभा कविता का मूल है। इन्होंने इसको बहुत महत्व दिया है। व्युत्पत्ति को भी उन्होंने महत्व दिया है। प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को इन्होंने महत्व दिया है, अभ्यास को इन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया है। उनका मत है कि व्युत्पत्ति के अभाव में कवि की रचना में अनेक दोष आ जाते हैं, किंतु प्रतिभा से ये दोष कम हो जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों की आवश्यकता प्रतिपादित की। उनका कहना है कि व्युत्पत्ति अर्थात बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान, बहुत सारे विषयों के ज्ञान से क्या होती है? कविता बहुत ही अच्छी हो जाती है। लेकिन यदि कुछ कम शास्त्रों का अध्ययन किया है किसी कवि ने, तो उसमें जरूर कविता में कुछ दोष आ जाते हैं, यदि कम पढ़ा है कवि तो, लेकिन फिर भी उसकी प्रतिभा से यह दोष कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को इन्होंने महत्व प्रदान किया है, अभ्यास को इन्होंने महत्व प्रदान नहीं किया है। राजशेखर जो आचार्य राजशेखर है, विक्रम की 9वीं शताब्दी का मध्य इनका समय काल है। ये इनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है, काव्य मीमांसा, आलोचना ग्रंथ है काव्य मीमांसा। इसके रचिता आचार्य राजशेखर ने काव्य हेतुओं की विवेचना करते हुए प्रतिभा और व्युत्पत्ति को मुख्य काव्य हेतु स्वीकार किया है। इन्होंने भी प्रतिभा और व्युत्पत्ति को महत्व दिया है। इन दोनों के योग से कवि कर्म में श्रेष्ठता आ जाती है। एक अच्छे कवि के लिए उसमें प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों होना चाहिए। उन्होंने प्रतिभा और व्युत्पत्ति को केंद्र में रखकर कवि के दो प्रकार विकसित किए। इन्होंने कवि को ही कैटेगराइज कर दिया कि कवि दो कैटेगरी के होंगे, प्रतिभा संपन्न काव्य कवि और व्युत्पत्ति युक्त काव्य कवि। प्रतिभा संबंध मतलब जिसमें जन्मजात प्रतिभा होगी, और व्युत्पत्ति युक्त काव्य कवि मतलब जो शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, लोक के और समाज के अध्ययन के द्वारा जो उसको अर्जित करते हैं। तो इस प्रकार के कवि ज्ञान जो अर्जित करते हैं। मम्मट 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध के आचार्य, इनका प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य प्रकाश। इन्होंने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य हेतु में शक्ति या प्रतिभा, यह ध्यान रखिए, इन्होंने प्रतिभा को शक्ति के नाम से अभिहित किया है। मम्मट ने प्रतिभा को क्या कहा है? शक्ति कहा है। और जो व्युत्पत्ति होता है इसको इन्होंने निपुणता कहा है। शास्त्रों का जो ज्ञान है व्युत्पत्ति या बहुज्ञता, इसको इन्होंने निपुणता कहा है। और अभ्यास की विवेचना की है, विवेचना मतलब अनुसंधान किया है,
अभ्यास का इन्होंने उल्लेख किया है। इन्होंने शक्ति या प्रतिभा को कवित्व का बीज कहा है। तो इन्होंने प्रतिभा को शक्ति के नाम से अभिहित किया है, शक्ति कहा है, और इसे कहा कि कवित्व का बीज क्या है, मूल क्या है, शक्ति है। और इन्होंने संस्कृत में लिखा है, शक्ति है कवित्व बीज रूप, याम बिना काव्य न प्रसूत, काव्य प्रकाश में इन्होंने लिखा है। किंतु निपुणता और अभ्यास को शक्ति प्रतिभा के साथ सम्मिलित मानते हैं। इनका कहना है कि जो निपुणता और अभ्यास है, मतलब व्युत्पत्ति और जो अभ्यास है, वह शक्ति के अंतर्गत ही शामिल है। तो इन्होंने निपुणता मतलब व्युत्पत्ति और अभ्यास को शक्ति के अंदर ही, प्रतिभा के अंदर ही शामिल कर लिया है। पंडित राज जगन्नाथ 16वीं शताब्दी के आचार्य हैं, इनका मानना है, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न परीक्षाओं में प्राय आता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम, इन्हें कहा जाता है प्रतिभावादी आचार्य। तो पंडित राज जगन्नाथ, जिनका समय काल है 16वीं शताब्दी, इन्होंने काव्य हेतु में केवल प्रतिभा को मान्यता प्रदान की, मान्यता दी है, इसीलिए इन्हें प्रतिभावादी आचार्य भी कहा जाता है। तो पंडित राज जगन्नाथ को प्रतिभावादी आचार्य कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने काव्य हेतुओं में केवल प्रतिभा को ही स्थान दिया है। उनकी मान्यता है प्रतिभा है केवल कारणम, रस गंगाधर इनकी प्रसिद्ध कृति है, इसमें ने कहा है कि काव्य का कारण या काव्य का हेतु केवल ही केवल प्रतिभा है। यद्यपि आचार्य जगन्नाथ की इस मान्यता का खंडन भी हुआ है, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने उनके मत को अतिवादी माना है, क्योंकि केवल प्रतिभा काव्य निर्माण का हेतु नहीं है। तो आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने यह कहा है कि इनका दृष्टिकोण बहुत ही अतिवादी है, एक्सट्रीमिस्ट है, अतिवादी मतलब बहुत ज्यादा अति कर दिया इन्होंने। काव्य रचना के लिए केवल कोई व्यक्ति केवल प्रतिभाशाली बस है तो वह काव्य रचना नहीं कर सकता, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा का यह मानना है। काव्य निर्माण के लिए केवल प्रतिभा बस आवश्यक नहीं है, बल्कि व्युत्पत्ति और अभ्यास की भी आवश्यकता पड़ेगी। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, और यदि वह किताबों का अध्ययन नहीं करता और यदि वह अभ्यास नहीं करता तो उसकी प्रतिभा व्यर्थ हो जाती है। उपरित विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि काव्य हेतुओं में प्रतिभा मुख्य है, और सभी आचार्यों ने इसे काव्य रचना में प्रमुखता प्रदान करते हुए इसकी अनिवार्यता स्वीकार की है। वस्तुतः साहित्य सर्जना की यह मूल शक्ति है। इस प्रकार प्रायः सभी आचार्यों ने प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु माना है, और साहित्य सर्जना साहित्य सृजन करने की यह मूल शक्ति है। प्रतिभा का स्वरूप कैसा होता है, उसका रूप, उसका डिजाइन कैसा होता है? प्रतिभा के स्वरूप पर कुछ आचार्यों ने विशेष रूप से प्रकाश डाला है, जिनमें आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, भट्टतौत आदि प्रमुख है। इन विद्वानों ने प्रतिभा के स्वरूप पर विस्तार से विचार किया है। आचार्य आनंदवर्धन मानते हैं कि प्रतिभा वह शक्ति है जिसके द्वारा प्राचीन विषयों को भी नवीन रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जैसे आपने देखा होगा जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं, इतिहास के जो उन्होंने घटनाओं को उठाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से नए समाज को जोड़ते हुए, हमारे आधुनिक समाज को जोड़ते हुए, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त जैसी रचनाओं की रचना की है, तो अपने प्रतिभा के माध्यम से उन्होंने यह किया है। जैसे कामायनी की रचना की है उन्होंने, तो इस प्रकार आनंदवर्धन यह मानते हैं कि प्रतिभा वह शक्ति है जिसके द्वारा प्राचीन विषयों को भी, पुराने विषयों को भी नवीन रूप में, नए कलेवर में प्रस्तुत किया जा सकता है। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा के स्वरूप का निरूपण करते हुए उसे अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा कहा है। अपूर्व वस्तुओं का निर्माण केवल प्रतिभा के माध्यम से ही हो सकता है। तो आचार्य अभिनव गुप्त का मानना है कि जो अपूर्व वस्तु, मतलब जो वस्तुएं पहले नहीं रची गई हैं, जिनका निर्माण पहले नहीं हुआ है, उनका निर्माण केवल प्रतिभा के माध्यम से ही हो सकता है। भट्टतौत नाम के एक आचार्य हुए हैं, यहाँ पर मैं रेड करना भूल गया हूँ इसको, भट्टतौत नाम के आचार्य हुए, इनका कहना है, इन्होंने प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है, उसे नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा माना है, अर्थात उनके अनुसार नए नए अर्थों का स्वतः उद्घाटन करने वाली प्रज्ञा अथवा बुद्धि प्रतिभा कहलाती है। नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा मतलब वह शक्ति है ना, या फिर वह प्रज्ञा या बुद्धि जो नए नए विचारों को जन्म देती है, नई नई कल्पनाओं को जन्म देती है, नए नए अर्थों को जन्म देती है। तो ऐसी जो शक्ति होती है, ऐसी जो क्षमता होती है, इसे ही प्रतिभा कहते हैं। आचार्य महिम भट्ट ने कवि की प्रतिभा को शिव के तृतीय नेत्र से उपमित किया है। आचार्य महिम भट्ट ने प्रतिभा की तुलना शिव के, मतलब भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से इसकी तुलना की है, जिसकी शक्ति से वह त्रिलोक में स्थित भावों का साक्षात्कार करता है। मतलब भगवान का जो तीसरा नेत्र है, इसके माध्यम से वह तीनों लोकों के भावों का साक्षात्कार करते हैं, उनको समझते हैं, उनको देखते हैं। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, इनका कहना है, प्रतिभा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहते हैं, काव्य रचना के अनुकूल शब्द तथा अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता प्रतिभा है। मतलब काव्य रचना के लिए जिन शब्दों की आवश्यकता होती है, जिन अर्थों की आवश्यकता होती है, उन शब्दों को ढूंढ कर लाने वाली, उन शब्दों को
प्रस्तुत करने वाली, प्रेजेंट करने वाली जो क्षमता है उसे कहा जाता है प्रतिभा। तो यह स्वरूप है प्रतिभा का। अब प्रतिभा कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिभा को कुछ विद्वानों ने कैटेगराइज किया है, वर्गीकृत किया है, क्या क्या होते हैं। आचार्य ने प्रतिभा के भेदों का भी विवेचन किया है, यह भी परीक्षा में प्रायः आता है, यह परीक्षा में आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। आचार्यों ने प्रतिभा के भेदों का भी विवेचन किया है। आचार्य रुद्रट ने शक्ति या प्रतिभा के दो भेद किए, इन्होंने भी शक्ति कहा है प्रतिभा, और इसके दो भेद किए हैं, सहजा प्रतिभा और उत्पाद्या प्रतिभा। उनके अनुसार सहजा प्रतिभा जन्मजात होती है और उत्पाद्या प्रतिभा अध्ययन आदि से अर्जित होती है। सहजा प्रतिभा बच्चे में जन्म से होती है और उत्पाद्या मतलब वह किताबों को पढ़कर, अपने आसपास की दुनिया को देखकर, संसार को देखकर, अनुभव के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा अर्जित करता है। राजशेखर भी प्रतिभा के दो भेद स्वीकार करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजशेखर, आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद स्वीकार किए हैं। इन्होंने प्रतिभा को दो भागों में वर्गीकृत किया है, दो प्रकारों में, कार्ययुक्त प्रतिभा और भावयुक्त प्रतिभा। इनमें से कार्ययुक्त प्रतिभा जन्मजात होती है, बच्चे में जन्म से जो प्रतिभा होती है या कवि में जन्म से जो प्रतिभा होती है वह कार्ययुक्त प्रतिभा होती है, और इसका संबंध कवि कर्म से अथवा कवि से होता है। कार्ययुक्त प्रतिभा का संबंध कवि से होता है अथवा कवि कर्म से होता है, और भावयुक्त प्रतिभा का संबंध आलोचना कर्म से अर्थात पाठक या आलोचक से होता है। भावयुक्त प्रतिभा उसका संबंध सहृदय पाठक अथवा आलोचक से होता है अथवा आलोचना कर्म से होता है। इन्होंने कार्ययुक्त प्रतिभा के पुनः तीन प्रकार बताए हैं। कार्ययुक्त प्रतिभा जिसका संबंध कवि से होता है, इसको भी इन्होंने तीन भागों में बांटा है, सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। मतलब कवि की जो कार्ययुक्त प्रतिभा है उसके तीन प्रकार होते हैं। पहला है सहजा प्रतिभा, यह क्या होती है? यह पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त होती है और इस जन्म में अल्प प्रयत्न से उद्दीप्त अथवा जागृत हो जाती है। मतलब पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म है, पूर्व जन्म के जो हमारे संस्कार हैं, उसके कारण यह प्रतिभा बच्चे में जन्म से विद्यमान होती है, किसी कवि में जन्म से विद्यमान होती है, और यदि वह थोड़ा सा भी प्रयत्न करता है उस प्रतिभा को उभारने का, तो वह प्रतिभा क्या हो जाती है? उद्दीप्त हो जाती है, जागृत हो जाती है। दूसरा, आहार्या प्रतिभा क्या होती है? आहार्या प्रतिभा वर्तमान जीवन के संस्कारों से उत्पन्न होती है, अतः इसके लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। आहार्या प्रतिभा को क्या है? अभ्यास के माध्यम से जागृत किया जाता है। मतलब वह इस जन्म में जिस घर में, जिस परिवार में जन्म लिया है, जिस विद्यालय में अध्ययन कर रहा है, तो वहां वह पढ़ाई करता है और बार बार अभ्यास करता है उन चीजों का, तो यह आहार्या प्रतिभा उसमें विकसित हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और औपदेशिकी प्रतिभा क्या होती है? जो उपदेश से प्राप्त होती है, देवता, गुरु, तंत्र मंत्र आदि से उद्बुद्ध जागृत प्रतिभा औपदेशिकी है। मतलब ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से, तंत्र मंत्र के द्वारा, है ना, मतलब उपदेश के द्वारा जो प्रतिभा जागृत होती है उसे कहा जाता है औपदेशिकी प्रतिभा। उपदेश आदि से प्राप्त होने के कारण इसे औपदेशिकी कहते हैं। इसका संबंध वर्तमान जीवन से रहता है, उपदेश के माध्यम से यह जागृत होती है। आचार्य हेमचंद्र ने प्रतिभा के दो प्रकार निरूपित किए हैं, सहजा और औपाधिकी। आचार्य हेमचंद्र ने भी दो भागों में बांटा है। सहजा प्रतिभा क्या होती है? स्वतः अपने आप स्फुरित होने वाली प्रतिभा सहजा प्रतिभा है। मतलब अपने आप जन्म लेने वाली, अपने आप स्वतः स्फुरित होने वाली, स्वतः दिखाई देने वाली, स्वतः जागृत होने वाली प्रतिभा सहजा प्रतिभा है। और औपाध्यिकी क्या है? मंत्र और देवाराधना आदि से प्राप्त होने वाली प्रतिभा औपाध्यिकी है। मतलब ईश्वर की आराधना करने से, मंत्र का जाप करने से जो प्रतिभा जन्म लेती है वह औपाध्यिकी है। पंडित राज जगन्नाथ भी प्रतिभा में विविधता या अनेक रूपता का उल्लेख करते हैं। इनका मानना भी है कि प्रतिभा विभिन्न प्रकार के होते हैं, अनेक रूपों के होते हैं। उनकी मान्यता है कि सभी कवियों में एक प्रकार की प्रतिभा नहीं देखी जाती, सभी की भावनाएं अर्थात कल्पनाएं अथवा मन की अद्भुत सूझबूझ विचार पृथक पृथक होती है, और इसका कारण प्रतिभा की विविधता होती है। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं पाई जाती है, क्योंकि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, उनके विचार भिन्न भिन्न होते हैं, और इसका कारण क्या होता है? प्रतिभा की विविधता होती है। अब व्युत्पत्ति का अर्थ, व्युत्पत्ति का मतलब होता है बहुज्ञता अथवा शास्त्रों का ज्ञान, बहुत सारी किताबों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, बहुत सारे विषयों के ज्ञान का व्युत्पत्ति कहा जाता है। व्युत्पत्ति शब्द वि उपसर्ग के साथ उत्पत्ति शब्द के मेल से बनता है। इसका तात्पर्य है कि लोक या संसार में जो कुछ भी उत्पन्न है उसका विशेष ज्ञान होना व्युत्पत्ति है। मतलब इस संसार में जो भी चीजें उत्पन्न हुई हैं, जो भी चीजें हमको दिखाई देती हैं, उनका विशेष ज्ञान होना ही व्युत्पत्ति है। वास्तव में इसके अंतर्गत लोक व्यवहार, मतलब संसार के लोग आपस में किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, समाज के लोग, प्रकृति, आसपास जो हम प्रकृति देखते हैं, तथा विभिन्न विषयों का ज्ञान शामिल रहता है, समाहित रहता है।
इसीलिए व्युत्पत्ति को बहुज्ञता अर्थात अनेक विषयों की जानकारी भी कहा गया है। यह अर्थ काव्य शास्त्र के सभी आचार्यों द्वारा मान्य है। आचार्य मम्मट ने इसे ही निपुणता की संज्ञा दी। तो वास्तव में व्युत्पत्ति के अंतर्गत बहुत सारे विषयों की जानकारी शामिल होती है। मतलब कवि को क्या होना चाहिए, अर्थशास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, भौगोलिक ज्ञान भी होना चाहिए और ऋतुओं की भी जानकारी होनी चाहिए, मौसम की भी जानकारी होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे विषयों का जो ज्ञान है उसका व्युत्पत्ति अथवा बहुज्ञता कहा गया है और यह अर्थ प्राय सभी आचार्यों के द्वारा मान्य है और आचार्य मम्मट ने इसे निपुणता की संज्ञा दी है। आचार्य मम्मट व्युत्पत्ति को निपुणता कहते हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। अब व्युत्पत्ति कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के दो भेद किए गए। व्युत्पत्ति के भी दो प्रकार होते हैं, शास्त्रीय व्युत्पत्ति और लौकिक। और शास्त्रीय व्युत्पत्ति क्या होती है, शास्त्रीय व्युत्पत्ति अध्ययन से प्राप्त होती है। शास्त्रों के अध्ययन से, किताबों के अध्ययन से जो व्युत्पत्ति अर्थात निपुणता प्राप्त होती है उसे कहा जाता है शास्त्रीय व्युत्पत्ति। दूसरा है लौकिक व्युत्पत्ति। लौकिक व्युत्पत्ति लोक के अनुभव एवं निरीक्षण से प्राप्त होती है। मतलब हमारे आसपास जो संसार है, जो समाज है, समाज के लोग हैं, यह हमारा जो प्रकृति है उसका निरीक्षण करने से, उसको ध्यान से देखने से जो अनुभव प्राप्त होता है उसे कहा जाता है, या जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहा जाता है लौकिक व्युत्पत्ति। शास्त्रों के मनन चिंतन और लोक के निरीक्षण तथा काव्य परंपरा का गंभीर अध्ययन करने से कवि में निपुणता आती है और उसका अनुभव जन्य ज्ञान भी विस्तृत होता है, जिसके माध्यम से वह काव्य को जीवन और समाज के निकट लाने में समर्थ होता है। मतलब शास्त्रीय व्युत्पत्ति और लौकिक व्युत्पत्ति, मतलब जो शास्त्रों के मनन चिंतन, शास्त्रों के अध्ययन करने के बाद और आसपास के संसार का निरीक्षण करने के बाद कवि में जो निपुणता आती है, तो वो जो निपुण हो जाता है कविता लिखने में और उसका अनुभव भी बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाता है, जिसके कारण जब वह काव्य की रचना करता है तब उसकी कविता जीवन और समाज के बहुत ही निकट होती है, जन कवि हो जाता है। व्युत्पत्ति का क्षेत्र असीमित होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। ज्ञान का तो कोई लिमिटेड क्षेत्र है नहीं, व्युत्पत्ति का संबंध ज्ञान से है और इसका क्षेत्र क्या है, असीमित होता है। ज्ञान का क्षेत्र असीमित होता है व्युत्पत्ति का क्षेत्र, क्योंकि लोक और शास्त्र की कोई सीमा नहीं मानी गई है। दुनिया दूर दूर तक फैली हुई है और किताबें भी बहुत सारी है, शास्त्र भी बहुत सारे हैं। व्युत्पत्ति का अधिकाधिक ज्ञान होने से काव्य दोषों में कमी आती है। मतलब कोई कवि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जितनी ज्यादा किताबों का अध्ययन होगा, अध्ययन किया होगा उसने, जितने ज्यादा विषयों की जानकारी होगी उसके कारण उसके काव्य के दोषों में कमी आती है, काव्य में दोष कम पाए जाते हैं। अब अभ्यास का अर्थ है, महत्व क्या होता है, अभ्यास के बारे में देख लेते हैं अंत में। काव्य हेतु में अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है, अभ्यास को भी बहुत महत्व दिया गया है। आचार्य राजशेखर का कहना है, आचार्य राजशेखर के अनुसार निरंतर प्रयास करना अभ्यास है। निरंतर प्रयास करते हैं उसे कहा जाता है अभ्यास। सभी आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा का पोषक और संस्कारक माना है। लगभग सभी आचार्यों का यह मानना है कि केवल प्रतिभा होने से कुछ नहीं होता, यदि व्यक्ति बार बार अभ्यास नहीं करता है तब उसकी प्रतिभा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए प्रतिभा को पोषण करने वाली, प्रतिभा को आगे बढ़ाने वाली क्या है, महत्वपूर्ण जो चीज वह क्या है, अभ्यास है। आचार्य दंडी का यह मानना है कि अभ्यास पूर्वक वाणी अर्थात मां सरस्वती की उपासना करने पर अवश्य वह अनुग्रह करती है। मतलब यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं है लेकिन यदि वह बार बार अभ्यास करता है, कविता लिखने का अभ्यास करता है, तब निश्चित रूप से मां सरस्वती की कृपा उस पर होती है और वह एक दिन कवि बन जाता है। आचार्य वामन का क्या कहना है, आचार्य वामन के अनुसार अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। मतलब इनका भी मानना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। यह तो निश्चित है कि श्रेष्ठ कवियों, साहित्यकारों से शिक्षा प्राप्त कर उनके अनुभव से अवगत होकर काव्य रचना का अभ्यास करने से काव्य में उत्कृष्टता आती है तथा काव्य गुणों से समृद्ध और दोषों से रहित हो जाता है। मतलब जो पहले जो बहुत महान साहित्यकार हुए हैं, हमारे समकालीन साहित्यकार, यदि कोई व्यक्ति उनका उन महान कवियों के पास जाकर बैठता है, उनसे सीखता है कि कविता कैसे लिखनी है, उनकी रचनाओं का अध्ययन करता है बार बार, उसके आधार पर वह स्वयं भी कविता लिखने का अभ्यास करता है, तब वह जो कविता लिखता है उससे उसकी कविता समृद्ध होती है गुणों से और उसमें बहुत ही कम कमियां पाई जाती हैं, वह दोष रहित हो जाता है। यह माना जाता है कि अभ्यास के अभाव में प्रतिभा भी कुंठित होने लगती है। यदि बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो प्रतिभा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, कुंठित हो जाती है। अभ्यास से काव्य में पूरा निखार आता है, कवि की अभिव्यंजना अर्थात अभिव्यक्ति शक्ति बढ़ती है तथा भावाभिव्यक्ति सौष्ठवपूर्ण, माधुर्युक्त और प्रभावशाली होती है। जब कोई कवि बार बार अभ्यास करता है तब उसकी कविता में निखार आती है, उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है, भावों को बहुत बेहतरीन तरीके से अभिव्यक्त करता है, सौष्ठवपूर्ण कविता होती है, रस छंद अलंकारों का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाता है, उसकी कविता मधुर होती है, माधुर्य गुण से युक्त होती है,
और प्रभावशाली होती है, इफेक्टिव होती है। आचार्य हेमचंद ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन में लिखा है कि अभ्यास से प्रतिभा संस्कारित होकर कामधेनु जैसी हो जाती है और काव्यामृत प्रदान करती है। इनका इन्होंने कहा है यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, कोई कवि बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है और वह निरंतर अभ्यास करता है, तब क्या होता है उसकी कविता कामधेनु जैसी हो जाती है जो हमारी हर इच्छाओं को पूरा करती है और इससे हमें काव्य काव्य अमृत प्राप्त होता है, मतलब अमृत जैसा काव्य प्राप्त होता है, सर्वश्रेष्ठ काव्य प्राप्त होता है। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस प्रकार प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास, प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों काव्य हेतु एक दूसरे के पूरक है, मतलब तीनों ही आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है। किसी एक के बिना भी काव्य सृजन करना कठिन है, मतलब काव्य सृजन करने के लिए प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों ही आवश्यक है। यदि एक भी चीज नहीं है यहाँ पर, एक भी चीज मिसिंग है, तब काव्य का सृजन करना कठिन है। कोई एक अपने आप में पर्याप्त नहीं है, प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास ही प्रमुख काव्य हेतु है, तीनों ही प्रमुख काव्य हेतु है, किंतु प्रतिभा सर्वप्रमुख है। इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? प्रतिभा है, सर्वप्रमुख है, जिसे व्युत्पत्ति और अभ्यास से निरंतर निखारा जा सकता है। मतलब प्रतिभा को किताबों के अध्ययन के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, जिसे व्युत्पत्ति कहा जाता है, और अभ्यास के द्वारा प्रतिभा को और ज्यादा निखारा जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। वस्तुतः ये तीनों समन्वित रूप में ही काव्य के हेतु हैं, जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, मतलब तीनों आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, तीनों ही महत्वपूर्ण है, तीनों ही आवश्यक है। अंत में यह कहा गया है कि जिस प्रकार पानी को बार बार छानने से वह निर्दोष हो जाता है, बार बार यदि आप पानी को छानते हैं तो जो उसमें जो भी अगर गंदा भी पानी है तो धीरे धीरे वह साफ होता चला जाता है, बार बार छानने से उसमें जो कचड़ा है जो भी है वह साफ हो जाता है, और बर्तन को बार बार मारने से वह चमक उठता है। उसी प्रकार जब बर्तन को आप घर में बार बार मांजते हैं तो जिसमें कालापन रहता है, जो कालीमा रहती है, वह साफ हो जाती है, बार बार बर्तन को मांजेंगे तो वह चमकने लगता है। वैसे ही व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा को निर्दोष बनाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली है और वह बार बार किताबों का अध्ययन करता है, बार बार कविता लिखने का अभ्यास करता है, तो वह जो कविता लिखता है वो निर्दोष हो जाती है उसकी कविता, और उसकी प्रतिभा भी निर्दोष हो जाती है। तो इस प्रकार आज हमने काव्य हेतु को समझा। आगे भी यह भारतीय काव्य शास्त्र पर मेरा लेक्चर आगे जारी रहेगा, सभी टॉपिक्स मैं कंप्लीट करूंगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और इसका जो नोट्स की PDF फाइल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद।